पर उतारिए। क्षमा करें, हम भारत के मंदिरों से प्रार्थना करेंगे, एक वर्ड और लिखना चाहिए, जूते चप्पल बाहर तो उतारे सो तो ठीक है, भेदभाव को भी बाहर छोड़ करके अंदर आ जाएं, बड़ा मजा आएगा। साउथ न्यूजीलैंड भी है, हम लोग अभी किस तरफ है? नॉर्थ तरफ, तो टुकड़ों में, पर बहुत पुराना है। कल जब हम एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वो भारतीय लोगों का पागलपन अद्भुत था, उसमें भी यहाँ की परंपरा का वो स्वागत। हाका हापा हाका 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 अद्भुत। हमारे पास भाई दिमाग है नहीं, और तुम हमको दिमागदार समझना भी नहीं, इसलिए हम अपनी कथा में बोलते हैं कि हम जो बोल रहे हैं वो अपना अनुभव बोल रहे हैं। तुम हमारी कथा को सुनना, वो अनुभव तुम पहले जीवन में खुद करना, फिर सत्य मानना। पहले सुनो, उसको अनुभव में उतारो, फिर सत्य मानो। लेकिन यहां का वो जो स्वागत था, रिचर्ड ने जो सबको बुला रखा था, आचार्य आए हुए थे, ब्राह्मण आए हुए थे, वो श्री के किनारे ऊंचाई पर, इन्होंने हमें कक्ष ऊपर दे रखा है कि बाबा गिरे भी तो नो प्रॉब्लम। लेकिन आज हम बोले हैं, आई एम सॉरी मॉम, तुम्हारे बाथरूम में बाल्टी नहीं, बहुत दिक्कत गई नहान, बहुत दिक्कत, बहुत महंगी बाथरूम है आपकी, उसमें लेटने वाला टब है और टाइल्स तो उसमें चेहरा दिखता है, बाल्टी नहीं। बहुत दिक्कत गई वो ऐसे ऐसे करके चलाने में, बहुत दिक्कत। अभी हमको नीचे आके पूछ रहे थे कि आप तो बहुत सुबह जल्दी उठ गए थे, बहुत जल्दी हवन के लिए आपको लेट क्यों हुआ, हमारे पंडित जी पूछ रहे थे। हमका 1.5 घंटे नहाने में लगा, हम गरीब आदमी कभी फंसे ही नहीं अच्छी चीजें, गांव के आदमी सीधे साधे आदमी। पर बहुत अच्छा लगा न्यूजीलैंड आकर, यहाँ प्रसन्नता होगी कि पूरे विश्व में हैप्पी कंट्रियों में इस कंट्री का 11वां नंबर है। सबसे ज्यादा खुश लोग किस देश में रहते हैं, इसमें इस देश का 11 नंबर है, जो हमारे भारत का शुभ अंक है। भारत में अध्यात्म में